नमस्कार, मैं यामिनी दुबे, स्वागत है आपका clips.in में। रायगढ़ के साई श्रद्धा होटल के संचालक फिर विवाद में घिर गए। उनके होटल के कुक की फांसी पर लटकी लाश मिली थी। मृतक के परिजन उत्तराखंड से रायगढ़ आए। उन्होंने SP से मिलकर होटल संचालक पर गंभीर आरोप लगा दिए। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे रायगढ़ ब्यूरो हर्ष अग्रवाल। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले होटल व्यवसायी नए आरोप में घिर गए हैं। दरअसल 3 दिन पहले व्यवसायी के होटल में कुक का काम करने वाले युवक की लाश फांसी पर लटकी मिली हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मृतक के परिवार वालों को उसकी मौत की सूचना दे दी थी। मृतक जीवन सिंह वोरा के परिजन पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह से मुलाकात कर बताया कि होटल में कुक के रूप में कार्य करते हुए मृतक ने परिवार वालों को फोन कर यह बताया था कि होटल मालिक द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और वह परेशानी में है। जीवन सिंह वोरा ने परिजनों से यह भी बताया था कि उसकी जान को खतरा है और होटल मालिक उसके साथ कुर्ता से व्यवहार करते हैं। मृतक ने परिवार वालों से कुछ पैसे भी मांगे थे और परिवार वालों ने उसे पैसे भेजे भी, परंतु अचानक 2 दिन बाद परिजन जीवन की मौत की खबर सुनकर सन्न रह गए। यहाँ से पुलिस वालों का फोन आया था कि हमें कि तेरे भाई ने फांसी खा ली, इसी वजह से हम आए। उसका कॉल आया था कि मुझे पैसे चाहिए। हमने पैसे भेजे उसे, उसने ये भी कहा था साथ साथ ही कि मेरे को यहाँ खतरा है, यहाँ से निकलना मेरा मुश्किल हो रहा है, इसी वजह से उसने पैसे मांगे। और जब हमने पैसे भेजे तो फिर यहाँ से पुलिस वालों का फ़ोन आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई 1-2-3 दिन बाद। बस अब ये हमें क्या पता, जितना उसने कहा था फ़ोन पर हमें इतना ही पता है। जीवन सिंह के परिजन SP रायगढ़ को एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने मृतक की मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जीवन सिंह के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। इस विषय में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि मामला अत्यंत गंभीर है, पुलिस जीवन लाल के मौत की हर एंगल से जांच करेगी। साई श्रद्धा होटल में कुक ने अभी कुछ समय पहले आत्महत्या की थी, ऐसा जो अभी जांच में है। आज उसके परिजन, उसके पिता और उसके भाई जो उत्तराखंड के हैं नैन सिंह, वो अभी मिलने आए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो होटल के मालिक उनसे, जो कुक से अक्सर दुर्व्यवहार करते रहता था और उन पर अनावश्यक प्रेशर बनाता था, जिसकी वजह से उसके जो बेटे ने सुसाइड कर लिया है। इस मामले को हम लोग बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और इसको अभी जांच में रखा गया है और इनकी शिकायत पे हम लोग अभी FIR भी दर्ज करेंगे अगर हमें थोड़ा भी लगता है तो। साथ साथ जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई। जो कुक के परिजन आए थे उन्होंने ये बताया कि यह व्यक्ति जो होटल का मालिक है, कोई जुनेजा करके है, जो अक्सर उनके साथ मारपीट करता था और साथ साथ अन्य चीज़ों के लिए भी प्रताड़ित करते रहता था। इसकी लेकिन हम लोग को अभी जांच भी होनी है, लेकिन मामला चूँकि गंभीर है तो हम लोग इस पर FIR दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं और FIR दर्ज करने के बाद इसमें हम लोग देखेंगे कि किस इसमें होटल मालिक की भूमिका है कि नहीं प्रताड़ित करने की, अगर होगा तो उसको हम लोग सजा दिलाएंगे। रायगढ़ से हर्ष अग्रवाल, clips.in। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।